हेलो दोस्तों, मैं हूं काशदेव परमा। हिंदी वॉइस नोट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अकबर की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग अकबर की सैन्य प्रबंधन प्रणाली या मनसबदारी प्रणाली, अकबर की राजपूत नीति और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सम्राट अकबर के सैन्य प्रबंधन प्रणाली या मनसबदारी प्रणाली। देखिए, मनसबदारी का अर्थ होता है पद, और यही अकबर के शासन की मुख्य विशेषता थी। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत 1572 में हुआ था और इसके प्रणेता थे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल के कारण ही मनसबदारी प्रणाली अकबर के शासन व्यवस्था में लागू हुआ था। देखिए, यह व्यवस्था चंगेज खान के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसबदारी प्रणाली जो अकबर के द्वारा चलाया गया था वह चंगेज खान के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इस प्रणाली में सबसे छोटा जो मनसब होता था, अर्थात सबसे छोटा जो पद होता था वह 10 होता था, और जो सबसे बड़ा मनसब होता था वह 1000 होता था। अर्थात सबसे बड़ा जो पद होता था वह 1000 होता था। इसमें वेतन के तौर पर जो पद में व्यक्ति थे उन्हें वेतन के तौर पर नगर तथा जागीर दिया जाता था, और बाद में कुछ समय के पश्चात यह वंशानुगत हो गया। मनसबदारी प्रणाली कुछ समय के पश्चात वंशानुगत हो गया। उसके बाद देखते हैं अकबर की राजपूत नीति। देखिए, अकबर ने राजपूत नीति के तहत विवाह, युद्ध और मित्रता, इन तीनों नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए, सबसे पहले देखते हैं विवाह। राजपूतों के साथ विवाह कर अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया। अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह कर अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया, और युद्ध के तहत साम्राज्य विस्तार का भी सहारा लिया। अकबर ने युद्ध के तहत साम्राज्य विस्तार का भी सहारा लिया, और मित्रता के तहत साम्राज्य सुरक्षा के लिए राजपूतों की मित्रता नीति को भी अकबर के द्वारा अपनाया गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, अकबर के समय सिख गुरु थे रामदास, उनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था, और बाद में इसी जमीन पर अमृतसर शहर बसाया गया। अकबर के द्वारा सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान किया गया था जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था, और बाद में इसी जमीन पर अमृतसर शहर बसाया गया जिसमें स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। देखिए, अकबर के समकालीन थे शेख सलीम चिश्ती जो कि एक सूफी संत थे। अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था चार बाग बनवाने की परंपरा का शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। देखिए, 1605 में अकबर का मृत्यु हुआ था जलोदर रोग के कारण, अर्थात पेट की बीमारी के कारण। 1605 में अकबर का मृत्यु हुआ था पेट की बीमारी के कारण, जलोदर रोग के कारण। मृत्यु के पश्चात अकबर के शव को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया, और वहीं उनका मकबरा भी बनवाया गया था। अकबर के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था बाल विवाह और सती प्रथा को, और विवाह के लिए अकबर के द्वारा लड़का और लड़की की आयु भी तय की गई थी जिसमें लड़का की आयु 16 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। विवाह के लिए लड़का की आयु 16 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष होनी चाहिए, यह अकबर के द्वारा तय किया गया था, और अकबर के द्वारा मान्यता दिया गया था विधवा पुनर्विवाह को। तो इस पाठ में हम लोगों ने अकबर की सैन्य प्रबंधन प्रणाली, अकबर की राजपूत नीति और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी वॉइस नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।